गैदरिंग थी तो आपको पता है फिर थकावट भी हो जाती है, लेकिन चूँकि गर्मी का मौसम है अप्स है, तो डेट्स वाई आई वाज टू मच। खुद का माशाल्लाह इतना बड़ा ब्रांड है और इवेंट को रिकॉग्नाइज करिए, कैसा लग रहा है? असल बात यह है कि ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है, हम तो उसको कह लेते हैं किसी ना किसी तरह से अरेंज, लेकिन ये ऑडियंस हर तरह के मिलती है। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत एक्साइटेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आराम से बैठने वाले हैं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि हर एक बंदा जो है ना वो चाहता है कि स्टेज पर चढ़े, तो इस वजह से मिस मैनेजमेंट हो जाती है। थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जब इतने बड़े ब्यूटिशियन जो क्लास दे रहे होते हैं लोगों को, ज़्यादातर सर्टिफिकेट्स का ही पढ़ा रहता है, वो क्लास को इतना अवेयर नहीं करते। असल में सुबह सुबह इनमें एनर्जी बहुत होती है, जब एनर्जी है तो आराम से बैठे, आप देख रहे हैं कि सुबह जब इनके बैठने में बहुत मैनेजमेंट थी, बहुत इजी होके सारे काम हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ उनकी एनर्जी जो है ना वो कम होनी शुरू। तो मैं दो घंटे से पहले तो आपका प्रोग्राम देखा, बड़ा नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा था, लेकिन बीच में बाद में ऐसा कुछ हुआ कि सब माशाल्लाह ही हो गया। अब उस वक्त माइक मेरे हाथ में था, असल टाइम नहीं था, यानी कि आप मैनेज, मैंने ये देखा कि आप मैनेज बहुत अच्छा कर लेते हो, ऑडियंस को कर लेते हो, जितना मर्जी ऑडियंस जैसी मर्जी हो, जिस तरह का भी रश पड़ा है, आप स्टेज पे होगे फिर भी सारे नीचे आ जाएंगे, लेकिन अभी आप आ गए हो। मैं जब से उतरी हूँ ना तब से यही हाल है कि मैं नीचे आ गई, ऑडियंस ऊपर चढ़ गए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी ब्रांड में ऐसी कौन सी खास बात है जो बाकी ब्रांड से बहुत अच्छी हो, एज ए स्किन टोन्स के हिसाब से? स्किन टोन के हिसाब से, कोई स्किन टोन्स के हिसाब से जिस तरह के क्रीम्स आई हुई हैं? बात सिर्फ ये है कि आप क्रीमों को लेंगे, ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो ये सारी प्रोडक्ट जो है ना ये एक मार्केटिंग है, मार्केटिंग में हर बंदा चाहता है कि हम आगे आगे जाएं, लेकिन ऑब्वियसली जो आपकी अपनी ब्यूटी है वो तो हाईलाइट होती है। हाँ रोल प्ले ज़रूर करते हैं, लेकिन अच्छी प्रोडक्ट होंगे तो आपको कैरी करना आना चाहिए, उसको साथ लेके चलना आना चाहिए, और पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी चीज़ सूट करती है। अच्छा बहुत सी प्रोडक्ट्स लोकल नाम से आई हुई हैं, जैसे चाइना की पैकिंग इतनी हाई लेवल पे होती है, उसी को प्रोडक्ट देख के लेने को दिल करता है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन जो अभी ओवरऑल जितनी देसी प्रोडक्ट्स हैं, देसी लोग हैं हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स बनाई है, उसका रिजल्ट उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन प्राइस वाइज देखा जाए चाइना की प्राइस जो है वो बहुत लो है, लेकिन हमारी हाई है। आप देखें कि हमारे लोग जो होते हैं ना वो कहते हैं कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें, और उसके नतीजे में क्या होता है कि 10 रुपए की चीज़ उठाएं उसे 100 रुपए में करेंगे, जहां के आप चाइना की देंगे कि उनकी एक लिमिटेड प्राइस होती है, अगर उन्होंने 100 की है तो उन्होंने मेंशन की होती है, तो डेट्स वाई कि उनकी प्रोडक्ट ये नहीं कि अच्छी ना हो। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ग्लोबली हमारा काम चल रहा है वो चाइना से ही चल रहा है, आप जहाँ पर भी देखें, USA में देखें, UK में देखें, वहाँ पर चाइना मेड प्रोडक्ट्स ही काम कर रही हैं। इवन मैं UK में रह के आई हूँ और वहाँ पर ये तकरीबन 2010 से स्टार्ट हुआ काम के सारी प्रोडक्ट जो चाइना की, अब यहाँ पाकिस्तान में लोग करते हैं लेकिन बैकअप नहीं है,
सर मैंने ये देखा जितनी भी प्रोडक्ट्स अभी चल रही हैं ओवरऑल तो देखा जाए तो ज़्यादातर यही होता है कि उनके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती। उसकी वजह ये है ना कि वो अगर एक साल भी रहता है या एक माह भी रहता है तो वो कहते हैं चला लो और एंड में जाके गए कि एक के साथ एक फ्री उसको गिफ्टिंग में दे देते हैं या कुछ। तो आवाम के साथ उनकी ट्यून्स के साथ स्किन्स के साथ ये तो ज़्यादा नहीं है। आप क्या समझते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है? चाहे आप हुकूमत लेवल पे देख लें या आप आवाम को देख लें, कहीं इंसाफ है ही नहीं। यहाँ जिसका जो दिल करता है वही करता है और मैं समझती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारा ईमान ख़राब करने के लिए हैं। उमूमन ऐसे भी लोग सोचते हैं जी हमने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है तो अब इसका तो हमने बदला लेना है, हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, चाहे किसी की स्किन जाती है जाए हमें से परवाह नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों को अपने फ़ायदे से है गरज, लोगों को ये नहीं है कि हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो लोगों पे क्या इम्पैक्ट डालेगी और उसका हमें रिवर्स क्या आएगा। अगर ये आपके तो माशाल्लाह मिलियंस स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन से लेके, वैसे भी आप टीच करती हैं, तो कोई क्या पैगाम देना चाहती हूँ ऐसी जनरेशन को, इतनी लड़कियों को जो 15-15 दिन में जल्दी सीख लेती हैं, डिप्लोमे ले लेती हैं, पार्लर खोल लेती हैं, लेकिन जब उनके पास आईब्रोज भी बनाने जाओ तो फिर नक्शा कुछ और होता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। वोकेशनल का आपने देखा ही है कि 3 माह या 6 माह का वो कोर्स करवाते हैं, उसमें बेसिक्स भी नहीं आती हैं, उनको ये पता थ्रेड किसे कहते हैं, उन्हें ये पता फेशियल कैसे होता है, लेकिन स्टेप क्या होते हैं या आप कैसे हाउ टू मेक आईब्रोज एंड अदर थिंग्स, उन्हें ये पता नहीं होता। तो आप ये सोचें कि जब उनको पता ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं पॉसिबल। वो क्या करते हैं कि उधेड़ के रख देते हैं और फिर उसके बाद जब उनका पॉलर फ्लॉप हो जाता है तो वो या तो फिर घर में चली जाती हैं, घर में जाके खोल लेती हैं या फिर किसी के पास वर्किंग में शामिल हो जाते हैं। आज से 25 ईयर्स पीछे चले जाओ, जब कोई स्टूडेंट सीखता था ना टीचर के पास डांट से सीखता था, तब ये सर्टिफिकेट नहीं होते थे, अब तो 10 दिन के बाद मैम सर्टिफिकेट दे दे। असल में हमारी जो जनरेशन है ना बहुत फास्ट हो गई है, वो जट मंगनी पट विआह वाला हिसाब होता है कि वो कहते हैं कि रातों रात बस आप करके फारिग हो जाओ, लेकिन अगर ऐसी स्किल्स 6 माह में 3 माह में आ जाएँ तो हर दूसरी बंदी जो है ब्यूटिशियन बन जाए। स्किल्स जो होती हैं ना वो ऐसे नहीं आती, उसके लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत जो है 3-6 महीने में नहीं की जा सकती। मुझे ये बताइए कि हमारे चैनल के तो फैल अगर आपके पास कोई कुछ लेने आता है कितना डिस्काउंट देंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं जी हम किसी के रिजक पे लात नहीं मारते, हम ये चाहते हैं कि हम आपके प्रोडक्ट्स को, हमारे तो फैल जो भी आए, आप हमें पता है कि आपकी जो ब्रांड है वो बाकी ब्रांड से बहुत अच्छी है, पर्सनली तौर पे मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ आपको, फिर भी आप कितना डिस्काउंट देना चाहेंगे? जहाँ तक होता है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा उसमें डिस्काउंट होता है और जहाँ प्रोफेशनली होता है वहाँ हमारी ऑलरेडी डील चल रही है। मेरा और मेरे कैमरामैन को क्या गिफ्ट दे रही है ना? आप जो कहें वही मिल जाएगा, हम कुछ नहीं कहते, आप अपनी खुशी से जो देंगी। नाज़रीन इनके साथ मिलके इतना अच्छा लगा कि शायद अभी किसी के साथ मिलके इतना नहीं चला। एक तो एजुकेटेड पर्सन्स बहुत कम है इस फील्ड्स में, अनएजुकेटेड पर्सन्स हैं, तजर्बे नहीं हैं, पार्लर्स खोल लेती हैं तो माशाल्लाह फिर जो भी लोग उनके पास आते हैं रिजल्ट नहीं मिलते जी, पार्लर वाली ख़राब है। तो क्या कहते चाहोगी मैम, अनएजुकेटेड पर्सन्स की वजह से ये माहौल ख़राब हो रहा है पार्लर्स का, कोई मैनेजमेंट नहीं है? असल में बात आप किसी भी हवाले से करें, किसी भी काम के हवाले से, आपको पता है कि जब तक आपको एजुकेशन नहीं होगी, नाउ हाउ नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, आप तो प्रोडक्ट के ऊपर नाम भी नहीं पढ़ सकेंगे कि वो है क्या, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो अवेयरनेस होना और एजुकेशन लेना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। और ये है कि अगर आप एजुकेटेड हैं आप हर तरह के क्लाइंट को डील कर लेंगे, आप बात कर सकते हैं, चाहे वो पंजाबी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, वट एवर, आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। जब क्लाइंट सेटिस्फाई है तो आप सेटिस्फाई